अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर्थ, आई होप यू ऑल आर वेल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने जो दो वीडियोस दी थी, वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2, उसमें हमने अपना फाइनल टर्म का पहला चैप्टर रेशियो हम पढ़ चुके हैं, सही है। उसकी कॉपी वर्किंग और बुक वर्किंग दोनों कंप्लीट हो चुकी है। अब है हमारे पास चैप्टर नंबर 7 परसेंटेज, और ये फाइनल टर्म का हमारा दूसरा चैप्टर है परसेंटेज। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को बता होना चाहिए परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज मीन परसेंट मतलब आउट ऑफ 100। क्या होता है आउट ऑफ 100, यानी अगर मैं बोलूं हमारे पास होता है, मेरे पास है 58, ये लिखा हुआ 58 आउट ऑफ 100, सही, आउट ऑफ 100। यानी मैं बोलूं मेरे पास, अगर बोलूं मैथ्स में, बिल्कुल मैथ्स में मेरे पास आए मार्क्स 58 आउट ऑफ 100, यानी 100 में से 58 मार्क्स आए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 58 ऊपर आ जाएगा और 100 नीचे। आउट ऑफ कहाँ आ गया, नीचे। आउट ऑफ 100 कहाँ आ गया, नीचे। और 58 कहाँ आ गया, ऊपर। तो आउट ऑफ हो गया 58 आउट ऑफ 100, मैंने इस तरह ये फ्रैक्शन बना दी, सही है। मैंने इस तरह क्या बना दी, फ्रैक्शन। अब जब डिवाइड में 100 शो हो गया, डिवाइड में क्या शो हो गया, 100, तो ऊपर 58 के साथ किसका साइन शो हो जाएगा, परसेंटेज का साइन शो हो जाएगा। जब डिवाइड में क्या लग गया, आउट ऑफ 100 आ गया ना, जब आउट ऑफ 100 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। आउट ऑफ 100 का मतलब क्या होता है, परसेंट। और ये हमारे पास इस तरह, ये हमारे पास इसका परसेंटेज का साइन होता है, सही है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि परसेंटेज का साइन इस तरह होता है, और आउट ऑफ 100 का मींस होता है परसेंट, यानी अगर डिवाइड में, आउट ऑफ 100 हम लोग नीचे डिवाइड में लगा रहे हैं ना, डिनोमिनेटर में, अगर मैंने 100 लगा दिया तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू के साथ मेरे पास किसका साइन शो हो जाएगा, परसेंटेज का साइन शो हो जाएगा, सही। अब आ जाते हैं सबसे पहले सवाल पे, इसके एक्सप्रेस ईच ऑफ दी फॉलोइंग एज परसेंटेज। अभी जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर एक एग्जांपल दी है, सेम इसी तरह आप लोगों को ये सवाल है, एक्सप्रेस ईच ऑफ दी फॉलोइंग एज परसेंटेज 3 आउट ऑफ 100। अच्छा, जिस तरह आप लोग वर्किंग करते हो वैसे ही करोगे। फोर्थ क्लास आप लोगों ने पेन, फाइनल टर्म की वर्किंग आप लोग पेन से कर रहे हो, सही है। फाइनल टर्म में आप लोगों ने जिस तरह मैंने ब्लैक पॉइंटर से सवाल उतारा हुआ, इसी तरह आप लोगों ने ब्लैक पॉइंटर से सवाल उतारना है और ब्लू इंक पेन से आप लोगों ने सॉल्व करना है, सही है। 3 आउट ऑफ 100 है, 3 आउट ऑफ 100, अगेन अभी मैंने बताया था 3 ऊपर और आउट ऑफ 100 इस तरह लिखेंगे। यानी अगर मैं बोलूँ मेरे किसी सब्जेक्ट में 100 में से 3 मार्क्स आए, तो उसका उसको हम क्या बोलेंगे, 3 आउट ऑफ 100, 3 ऊपर और 100 नीचे। और जब डिवाइड में नीचे 100 शो हो गया, तो ऊपर क्या, 3 के साथ किसका साइन आ जाएगा, परसेंटेज का साइन आ जाएगा। तो सवाल में बोला था ना, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज, मैंने इसको ये जो ये वर्डिंग लिखी हुई थी 3 आउट ऑफ 100, पहले इसको मैंने किस में चेंज करा, फ्रैक्शन में, एंड देन मैंने उसके साथ किसका साइन शो कर दिया, परसेंटेज का। अब ये वैल्यू परसेंटेज में आ गई। अब आ जाते हैं नंबर 2 पे, 11 आउट ऑफ 100, सही है, सेम एज इट इज़ होगा। 11 ऊपर, आउट ऑफ 100 कहाँ आ गया, नीचे। अब नीचे डिवाइड में क्या लग गया, 100, तो ऊपर 11 के साथ किसका साइन आ जाएगा, परसेंटेज का साइन आ जाएगा। अगेन बहुत सिंपल है, नंबर 3 है 57 आउट ऑफ 100, 57 आउट ऑफ 100, 57 कहाँ गया, ऊपर, और आउट ऑफ 100 कहाँ गया, नीचे। तो ऊपर अब 57 के साथ किसका साइन आ जाएगा, परसेंटेज का। जब डिवाइड में 100 शो हो गया, तो ऊपर 57 के साथ किसका साइन आ जाएगा, परसेंटेज का। मैंने आप लोगों को जस्ट अभी चैप्टर 7 की परसेंटेज का, ये क्वेश्चन 1 है, और इसके कितने क्वेश्चन हैं, जस्ट 3 क्वेश्चन, और बहुत सिंपल है। जस्ट आउट ऑफ, अगर मेरे पास लिखा हुआ 11 आउट ऑफ 100, तो 11 आउट ऑफ 100 का मतलब है 11 अपॉन 100, और जब डिवाइड में मेरे पास 100 आ गया, तो मैं 11 के साथ क्या अलग किसका साइन लगा दूंगी, परसेंटेज का साइन लगा दूंगी। अब आ जाते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन नंबर 2 पे, कन्वर्ट दीज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। पहले हमने, पहले सवाल में क्या करा, आउट ऑफ को पहले मैं फ्रैक्शन में लेकर आई, एंड देन मैं उसको फ्रैक्शन से किस में लेके चली गई, परसेंटेज में। इसमें ऑलरेडी आप लोगों को फ्रैक्शन दी हुई है, फ्रैक्शन दी हुई है, तो जस्ट मुझे क्या करना है, इस फ्रैक्शन को मुझे किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। सबसे पहले मैंने क्या करा, सॉल्व की हेडिंग डाली, सही है। सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद मैंने सवाल पहले 21 अपॉन 100 मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया, सही है। और मैंने अभी बताया है, जब डिवाइड में 100 शो हो गया, तो ऊपर 21 के साथ मेरे पास किसका साइन लग जाएगा, परसेंटेज का साइन लग जाएगा, अगर डिवाइड में 100 है तो। लेकिन अगर डिवाइड में 100 नहीं है, तो 100 हमें बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं नंबर 2 पे, 9 अपॉन 10। अब देखिए 9 अपॉन 10 लिखा हुआ है, सही है, 10 है ना, ये 100 नहीं है। मैंने क्या करा, सबसे पहले 9 अपॉन 10 एज इट इज़ उतार दिया। डिनोमिनेटर में 100 नहीं है, डिनोमिनेटर में 100 मुझे बनाना है, तो डिनोमिनेटर में 100 किस तरह बनाएंगे हम, देख ये मेरे पास आ गया 9 अपॉन 10, मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 100। क्यों, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 100 होगा, तो ऊपर वाली वैल्यू के साथ परसेंटेज का साइन शो हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 100 नहीं है मेरे पास, सही है। डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरे पास क्या आ जाए, 100 आ जाए।
टेन का टेबल इतना पढ़ना है, हंड्रेड आ जाए, तो टेन का टेबल टेन तक पढ़ूंगी तो हंड्रेड आ जाए। याद रखिएगा, जो नंबर हम नीचे रखते हैं वही नंबर हमें कहाँ रखना होता है, ऊपर भी रखना होता है। अगर मैंने टेन का टेबल टेन तक पढ़ा, हंड्रेड आया, तो अब मैं नाइन का टेबल भी टेन तक ही पढ़ूंगी, तो नाइन टेन से क्या हो गया, 90 हो गया। अब डिवाइड में मेरे पास 100 शो हो गया, तो ऊपर वाले के साथ किसका साइन आ जाएगा, मेरे पास परसेंटेज का साइन आ जाएगा, सही है। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे, 2/2। मैंने सॉल्व की हेडिंग डाली, पहले मैंने क्या करा, एज इट इज़ सवाल कॉपी कर दिया 2/2। अगेन मैंने फ्रैक्शन को इस तरह करा, ये मैंने डिवाइड की लाइन लंबी करके मल्टीप्लाई लगा के छोड़ दिया, सही है। मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 100 चाहिए। 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि मेरे पास क्या आ जाए, 100 आ जाए, तो 2 का टेबल मैं कहाँ तक पढ़ूंगी, 50 तक पढ़ूंगी, तो 100 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं नीचे, मैं क्या रख रही हूँ, नीचे 50 रख रही हूँ मल्टीप्लाई का, तो मैं ऊपर भी क्या रखूँगी, मल्टीप्लाई का 50 ही रखूँगी। अगर 250 से 100 आ रहा है, ऊपर भी 250 का क्या हो गया, 100 हो गया। अब डिवाइड में नीचे, बेटा यहाँ दोनों दफ़ा आप लोग देख रहे हैं 100 आ गया, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में, मेरी बात सुनिएगा, डिनोमिनेटर में 100 आ गया, तो ऊपर वाले नंबर के साथ किसका साइन हो जाएगा, परसेंटेज का। अगर मैं बोलूँ, सिंपल है इसका है, इस अगर मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह पढ़ूँ, तो आ जाएगा 2/2। यानी मेरे पास टेस्ट था, दो नंबर का मेरे पास एक टेस्ट था, उसमें से मेरे दो में से दो नंबर आ गए, तो ऑब्वियसली मेरी परसेंटेज कितनी आई, पूरी 100 आई ना। अगेन अब आ जाते हैं 17/50। ऊपर 17/50 मैंने सवाल पहले एज इट इज़ उतार दिया, सही है, सवाल मैंने एज इट इज़ उतार दिया पहले। अब अगेन मैंने क्या करा, 17/50 लिखा, मल्टीप्लाई दोनों तरफ डाल दिया। मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 100 चाहिए। यानी 50 को ऐसे नंबर से मल्टीपल करेंगे कि नीचे क्या आ जाए, 100। और जो नंबर हम नीचे रखेंगे, वही नंबर हम कहाँ रखेंगे, ऊपर भी रखेंगे। तो मैंने 50 को 2 से मल्टीपल करा, 100 आ गया। अगर मैंने मल्टीप्लाई का 2 नीचे रखा है, तो मल्टीप्लाई का 2 ही मैं कहाँ रखूँगी, ऊपर रखूँगी। तो 17/2 का क्या हो गया, 34। जब डिवाइड में 100 आ गया, यानी 34/100 हो गए, तो 34 के साथ किसका साइन आ जाएगा, मेरे पास परसेंटेज का साइन आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में कितने सवाल थे, टोटल 4 सवाल थे। और क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या था, हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना था। किस तरह, अगर डिनोमिनेटर में 100 नहीं दिया हुआ, तो 100 हमें बनाना है, और जब डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, तो ऊपर वाले नंबर के साथ किसका साइन शो हो जाएगा, परसेंटेज का साइन शो हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट दीज डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। आप लोगों ने डेसिमल का चैप्टर पढ़ा हुआ था, सही है, मैंने आप लोगों को डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना भी बताया था। मिड टर्म में हम लोगों ने जो डेसिमल का चैप्टर पढ़ा था, उसमें मैंने आप लोगों को डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना बताया था। तो जो मेथड मैंने वहाँ बताया था, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी होगा। डेसिमल को हम लोग किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में, सही है। और जब वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो हम फ्रैक्शन में चेक करेंगे। फ्रैक्शन में एक तो ऊपर न्यूमिनेटर होता है, नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर। अगर सही है, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, फ्रैक्शन में लाऊंगी, और फ्रैक्शन में एक होता है न्यूमिनेटर, मेरे पास यहाँ न्यूमिनेटर और यहाँ डिनोमिनेटर 50 है, सही है। तो अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 होगा, तो ऊपर वाले नंबर के साथ खुद ब खुद किसका साइन आ जाएगा, परसेंटेज का साइन आ जाएगा। तो हमें देखना है कि नंबर नीचे डिनोमिनेटर में 100 है या नहीं है। अगर नहीं है, तो 100 हमें बनाना है। सबसे पहले मैंने सवाल लिखा 0.51, सही है। मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी पॉइंट हटता है, सही है, पॉइंट हटेगा, सही है, मेरे पास पॉइंट हट गया, तो डिवाइड में 1 शो हो गया। और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं, 1, 2 डिजिट है, तो 1 के साथ कितने 0 आ गए, 2 0 आ गए, सही है। जब पॉइंट हटा, तो ये 0.51 बन गया, सही है। और नंबर से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, 51/100 कहलाएगा। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, नीचे डिवाइड में 100 मौजूद है, 51/100 कहलाएगा। जब डिवाइड में 100 मौजूद है, तो ऊपर वाले नंबर के साथ किसका साइन शो हो जाएगा, परसेंटेज का साइन शो हो जाएगा, सही है। अब आ जाते हैं नंबर टू है मेरे पास 0.6। मैंने क्या लिखा, 0.6 ऐसे लिखा। अगेन क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट हटाएंगे, सही, मैंने पॉइंट हटाया, तो ये 0.6 बन गया। डिवाइड में 1 शो कर दिया, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं 1 के साथ, उतने 0 आते हैं। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 1 के साथ 1 0, सही है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, नंबर से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ये जस्ट 6/10 कहलाएगा, लेकिन ये 10 है। अगर डिवाइड में मुझे क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में मुझे 100 चाहिए, मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 100। और अगर 100 नहीं दिया हुआ, तो मैं अभी जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को सिखाया कि 100 हमें बनाना पड़ेगा। 100 किस तरह बनाना पड़ेगा, 10 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आ जाए। तो 10 टेन्स 100, नीचे मल्टीप्लाई का 10 रखा है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई का 10 रखूँगी। 6 टेन्स है क्या हो गया, 60। अब जब मेरे पास डिनोमिनेटर में 100 आ गया, तो ऊपर 60 के साथ किसका साइन शो हो जाएगा, मेरे पास परसेंट
तेज का साइन शो हो जाएगा। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे, 0.82। अगेन मैंने क्या करा, पॉइंट को हटाया। जब मैंने पॉइंट हटाया तो 0.82 था, अब 0.82 हो गया। पॉइंट हटेगा, डिवाइड में 1 आएगा। पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं, दो डिजिट हैं तो 1 के साथ 2 जीरो, सही है। पहले 82 था, 0.82 था, अब 82/100 हो गया। जब डिवाइड में, मैं आप लोगों को बताया, जब डिनोमिनेटर में 100 आ गया, तो 82 के साथ किसका साइन आ जाएगा मेरे पास, परसेंटेज का साइन आ जाएगा, सही है। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इसके क्वेश्चन नंबर 4, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, 0.4। अगेन 0.4 है, मैंने पॉइंट हटाया, सही है। और डिवाइड में, पहले ये 0.4 था, अब 0.4 कराएगा। पॉइंट हटा, डिवाइड में क्या लग गया, 1। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, मैंने 1 के साथ एक जीरो लगा दिया। पहले 0.4 था, अब 0.4 हो गया। नंबर से पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं थी, जस्ट मैंने इसको 4/10 लिख दिया, 4/10। अच्छा, ये 10 है, मुझे डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, तो मुझे 100 क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। 10 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो 100 आ जाए, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी 100 आ जाएगा। अगर नीचे 10 रखा है तो ऊपर भी क्या रखूँगी, मैं 10 ही रखूँगी। 4 × 10 = 40। जब डिनोमिनेटर में 100 आ गया, तो ऊपर वाले नंबर के साथ किस चीज़ का साइन आ जाएगा, परसेंटेज का, सही है। मैंने आप लोगों को 3 सवाल समझाए हैं, सही है। और क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने आप लोगों को कितने सवाल समझाए हैं, 4 सवाल समझाए हैं, जिसमें सिंपल आप लोगों को डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में लाना है, और अगर फ्रैक्शन में चेक करना है डिनोमिनेट में 100 मौजूद है, तो ऊपर वाले नंबर के साथ खुद ब खुद हम लोग किसका साइन शो करेंगे, परसेंटेज का। लेकिन अगर डिनोमिनेटर 100 नहीं है, तो हमें 100 बनाना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को आज की वर्किंग समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।